नमस्कार, सिलेक्ट टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। भागलपुर ततारपुर स्थित एडवांस ट्रामा एंड माइक्रो सर्जरी सेंटर के संचालक डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान परिचय के मोहताज नहीं हैं। ऑर्थोपेडिक माइक्रोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर रहमान ने लॉकडाउन के दौरान एक नई तकनीक का इजाद कर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था। कुछ दिन पूर्व डॉक्टर साहब कोरोना की चपेट में आ गए थे। उसके बाद कोरोना को मात देने के बाद लोगों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए शहर में आईसीयू खोलने का फैसला लिया। ऑरेंज आईसीयू की सुविधा देने के लिए तैयारी में ये जुटे थे। इन सब के बीच दिलचस्प बात यह है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर रहमान आर्थोपेडिक सर्जन कैसे बन गए। इन तमाम सस्पेंस को क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भागलपुर के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, पहला सवाल यह है कि भागलपुर शहर में आईसीयू खोलने का फैसला। देखिए, प्रैक्टिस करते हुए हम लगभग 20 साल क्रॉस कर चुके हैं। आप देखते होंगे कि पहले जो गाड़ियां चलती थी और आज गाड़ी जो चल रही है, दोनों का स्पीड में ज़मीन आसमान का अंतर है। लोग गाड़ी ये देख करके खरीद रहे हैं कि कितना जल्दी वो स्पीड पकड़ रहा है कि नहीं। दूसरी चीज़ ये भी आप देख रहे हैं कि आज के दिन में एक मरीज़ और 5 बीमारी है। यानी कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसको जो बोल सके कि नहीं, हमको एक ही बीमारी है। डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है, उसको कार्डिक प्रॉब्लम भी है, डिप्रेशन भी है, उसके बाद थायराइड का दवा भी खा रहा, बहुत सारे चीज़ है। तो जिस तरह के फ्रैक्चर के मरीज आने लगे, वो मल्टीपल फ्रैक्चर के मरीज आने लगे, और उस मल्टीपल फ्रैक्चर के साथ मरीज 5 बीमारी और लिए हुआ है। इस कंडीशन के मैं आप इलाज करने के लिए या तो आप बाध्य हैं कि आप जनरल वेट पर आप इसका इलाज करिए, या फिर आप एक व्यवस्था रखिए जहाँ पर फ्रैक्चर, मल्टीपल फ्रैक्चर के साथ पेशेंट को जो प्रॉब्लम है, अदर मेडिकल प्रॉब्लम है, उसको इलाज कर सकें। चुनांचे जितनी ज़्यादा लोग इस तरह के आने लगे मल्टीपल डिजीज़ के साथ, कि अब हमारी मजबूरी थी कि हम इस चीज़ को अब लाएं। चुनांचे ये मेरा कंपल्सन है, मेरी मजबूरी है कि हम एक ऐसी फैसिलिटी को सामने लाएं जिसमें कि मल्टीपल डिजीज़ रखने वाले मरीज़ अगर फ्रैक्चर कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे। सपोज़ कि हमको बाईपास सर्जरी हुआ है, या हमको कुछ एनुरिज्म हुआ या कोई बात और भी चीज़ है, और हमको फ्रैक्चर हो गया, तो वेयर आई एम गोइंग टू, आपको एक ऐसी जगह चाहिए। मेरे पास वो इनकाउंटर हुआ है पेशेंट के, पेशेंट 2 रोज़ बाद कार्डिक सर्जरी, बाईपास सर्जरी करने के लिए जा रहा है। ओल्ड एज पेशेंट, ज़िद्दी होता है और फिसल के गिर गया। नौ जो बिरला हॉस्पिटल जहाँ जाने वाला था, वो बोल रहा कि नहीं, पहले फ्रैक्चर का इलाज कराइए, उसके बाद आप आइए। अब देखिए, इस तरह के मरीज़ को कौन रखने जा रहा। यू नीड एन आईसीयू जहाँ फ्रैक्चर का इलाज हो और कार्डिक सपोर्ट भी हो, यू नीड एन दैट। सो हम मजबूर हो गए कि नहीं, अब होना चाहिए कायदे का। देश में जो है कोरोना वायरस ने दस्तक दी, उसके बाद राज्य में दस्तक, उसके बाद फिर शहर भागलपुर में दस्तक, लॉकडाउन किया गया शहर को, राज्य को, और आप भी संक्रमित हो गए, कोरोना की चपेट में आप भी आ गए। और इस दौरान शहर में एक चर्चा हुई कि आपने कोई नई तकनीक का इजाद कर दिया है, और उस तकनीक के बारे में विस्तार से हम जानेंगे आपसे, क्या वो तकनीक थी। देखिए, ये बड़ी विडम्बना है। डॉक्टर होने के नाते हम कोरोना से संक्रमित भी हुए और मरते मरते बचे। मुझसे मेरे एक्सपीरियंस को जानने के लिए यूरोप के चैनलों ने हमसे बात किया डायरेक्ट, लेकिन यहाँ कोई नहीं पूछा हमसे कि व्हाट यू फेल्ट। डॉक्टर होने के हैसियत से हम बहुत कुछ बता सकते थे कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम इनसाइड, क्यों मुझे का आधा सांस पर मैं जिंदा था, क्यों मैं 12 दिन तक ऑक्सीजन पर जिंदा था। लोग तो दूर ही भागे चल रहे हैं, बल्कि हमको तो लगता था कि लोग सोचते थे दूर ही भाग जाएं। अरे भाई, पूछने से क्या हर्जा, हम तो कहीं ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन दे सकते थे। लेकिन इस लेटे लेटे हमने बहुत सी चीज़ देखा कि क्या हुआ है, हमको क्या प्रॉब्लम था, और प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी क्या है। और इस प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी को एज ए डॉक्टर मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया, और हम इस सिचुएशन पर पहुंच पाए कि हमको ज़रूरत क्या थी जो नहीं अवेलेबल है। चुनांचे हम चूँकि इंजीनियरिंग लाइन के आदमी ठहरे, तो हमने वो डिज़ाइन किया कि वो हमको आईसीयू में भर्ती होना था, और उस आईसीयू के अंदर ये फैसिलिटी होनी चाहिए जो अवेलेबल नहीं है। चुनांचे इसी
व्यवस्था के साथ हम आईसीयू लेके आ रहे हैं, जो सही माने में यूनिक होगा। और बहुत हद तक हम ये बात बोलेंगे कि आप इस संक्रमण से आप बच नहीं सकते, साफ साफ बात। भले कोई आदमी सीरियस हो या कोई नहीं सीरियस हो अलग बात है, लेकिन ये बीमारी इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं होने जा रही है। सो दैट डे इज़ गोइंग टू कम व्हेन ए फ्रैक्चर का मरीज आपके पास आवेगा और कोविड पॉजिटिव है, ठीक है, क्या कीजिएगा, भगा दीजिएगा, ये बड़ी समस्या हो जाएगी जी। अब आने आ रहा है आपको, क्यों इस तरह से अभी आप देख रहे हैं थर्ड वेव आ रहा, फोर्थ वेव आ रहा, कब कब वेव आता रहेगा कौन दिखाना नहीं है। तो इस तरह का आपका मरीज अगर फ्रैक्चर वाला मिल जाएगा, कोविड 19 पॉजिटिव हुआ, तो वो जाएगा कहाँ? मैं उसी, चूंकि मैं खुद संक्रमित हुआ, मुझे समझ में आ रहा है कि क्या हुआ, क्या चीज़ की ज़रूरत थी जो नहीं अवेलेबल है। मैं उस सारी चीज़ों को ला करके हम उसमें वो आईसीयू खोल रहे हैं ताकि लोगों को सहूलत हो जाए। अक्सर ऐसा देखा जाता है डॉक्टर साहब कि अस्पताल में जो है आईसीयू का जो नाम है वो मेडिकेटेड होता है, मेडिकल विभाग से जुड़ा होता है, लेकिन आपका कुछ डिफरेंट है, अलग है, आपने ऑरेंज आईसीयू नाम रखा है। देखिए, हमारी एक इंजीनियरिंग कंपनी है, ऑरेंज हॉस्पिटल इंजीनियरिंग कंपनी, ठीक है। ये कंपनी हमने इसलिए बनाया कि यहाँ पर कुछ चीज़ों के सिलसिले से हम इंडियंस के पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अपनी सोच को बदलते नहीं हैं। जैसे कि हमारे पैर में एक इम्प्लांट लगना, लोहा लगना है, तो जो कंपनियों ने बना लिया है हम उससे उसी को इस्तेमाल करें, हम उससे हट करके सोचने को तैयार नहीं हैं कि क्या करा जाए, क्या इसमें बदलाव आ सकता है। गो के उसके अंदर त्रुटि दिखाई पड़ रही है, लेकिन हम कुछ सोचते नहीं, हम इस पर कभी नहीं बात करते हैं। मैं सही बात बोलूं कि 70% से ऊपर हड्डी के डॉक्टर आज के ज़माने में अपने हड्डी के पेशेंट को इम्प्लांट लगा रहे हैं, स्टील लगा रहे हैं। तो स्टील लगा रहे हैं तो उसमें फेल्योर भी होता होगा, और फेल्योर होता होगा और फिर एक ऐसी भी दुर्दशा आने वाली है कि जिसमें कि हम, मेरे पैर में रॉड लगा था या प्लेट लगा था और हम अच्छे थे, गाड़ी चला रहे थे, और अगेन हम एक्सीडेंट कर गए। तो इस बार हम एक्सीडेंट किए हैं तो मेरे साथ इम्प्लांट भी अंदर में टूटा है। तो इन सब चीज़ों में ज़रूरत पड़ती थी कि लोकलाइज्ड आपके पास सेंटर हो जहाँ इस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कर सकें। आप खुद सोचिए कि मेरे पैर में रॉड लगा हुआ और हम गाड़ी चला रहे हैं और धक्का में मेरा रॉड टेढ़ा होकर टूट गया है या कुछ हो गया और भी हो गया, तो उस कंडीशन में यू नीड ए लोकल सेंटर जहां के आपके जरूरत के हिसाब से चीज बने। इसी चीज को सोचते हुए हमने कंपनी फॉर्म की। चूंकि कंपनी बनती है तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, तो हॉस्पिटल के जो ऑटोमेशन, हॉस्पिटल का ऑटोमेशन, दूसरी चीज हॉस्पिटल के अंदर लगने वाले इक्विपमेंट को समझना और एक चीपर वर्जन डेवलप करना, दो, और तीसरी चीज़ के साहब हॉस्पिटल के सिलसिले से बहुत सी चीज़ ऐसी है जो अभी भी हम लोगों का जो रिक्वायरमेंट है यूरोप से बिल्कुल भिन्न है। शहर में चर्चा कुछ दिनों पहले चर्चा रहा कि इम्तियाजुर रहमान ने एक नई तकनीक का इजाद किया है, आविष्कार किया है, परकुटेनियस फिक्सेंस। तो ये, हाँ, ये चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या, और इसको आप क्लियर रूप से बताइए। देखिए, हम मैं उन लोगों में से हूँ जिनको दो स्कूल ऑफ थॉट का एक्सपोजर हुआ, एक ब्रिटिश अमेरिकन मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो है और एक जैपनीज मोड ऑफ ट्रीटमेंट का भी, दोनों का शौक हुआ। ब्रिटिश अमेरिकन मोड ऑफ जो ट्रीटमेंट है उसमें नेल प्लेट और रॉड वुड लगाने का बहुत ज़्यादा प्रोविज़न है, बहुत ज़्यादा, मतलब इट इज़ बिट कॉस्टली, और वो उसी का प्रचार प्रसार करते हैं। वो जो ब्रिटिश अमेरिकन मेथडोलॉजी है वो दिखाता है कि बिना प्लेट लगाए, बिना नेल लगाए आप नहीं चल सकते हैं, नहीं कर सकते, इट इज़ माने अनसक्सेसफुल, मतलब ये कि आप लगाइएगा तभी सक्सेसफुल सक्सीड कीजिएगा। जैपनीज और चाइनीज और कोरियन मोड है वो इतना नेल प्लेट लगाने के फेवर में नहीं है, वो सस्ता। तो मुझे दोनों का एक्सपोजर हुआ, मैं जैपनीज मोड में भी रहा बहुत दिनों तक और ये अमेरिकन, ब्रिटिश अमेरिकन मोड में रहा, तो मैं देखता हूँ कि ओहो, उनके पास जो है कम खर्च में बढ़िया इलाज करने का जुगान है। चुनांचे उस टेक्निक को और अच्छे से मैं इन दरमियान में कर दिया। बहुत सारे ऐसे फ्रैक्चर है जिसको दुनिया खोल के करती है, मैं परकुटेनियस करके एक दिन में निकाल देता हूँ। कोरोना से आप संक्रमित हुए, कोरोना को मात दे दिए, उसके बाद फिर आपने जो है, आप जब क्वारंटाइन थे तो उस दौरान आपने आईसीयू का जो है वो इस विस्तार किया, क्या आप जो आईसीयू तैयार किए हैं इसमें कोरोना संक्रमितों का इलाज होगा? देखिए,
प्रैक्टिकली गवर्नमेंट हमको कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज करने नहीं देगी प्राइवेट क्लिनिक में, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। लेकिन एक बात है कि इस दरमियान जब मैं कोरोना संक्रमित था और हम रिकू कर रहे थे, उस ज़माने में आप सुने होंगे 1000 बेडेड चाइना में आईसीयू बना, वो कोरोना पेशेंट को, वो इस आईसीयू की पूरी जो रचना थी कैसे था उस पर हमने बहुत आरएनडी किया। वो सब टेंट के आकार का था, एक लंबा था, यहाँ से मैंने प्रैक्टिकल था उसको आरएनडी करके हमने उसका एक छोटा सा पार्ट नमूना हमने अपने यहाँ लाया। उसको कहते हैं कि जो सांस हम लेते हैं और हम जो सांस फेंकते हैं, देखिए दोनों में फर्क है। सांस हम लिया हमने और फेंका, और मेरे बगल में दूसरा मरीज है, उसने जो सांस लिया तो मेरे ही सांस का एक पार्ट उसने ले लिया, लिया इस तरह से, उसने जब फेंका तो दूसरे ने ले लिया, इसको क्रॉस कंटामिनेशन कहते हैं। उसने एक ऐसे एयर कंडीशनर और एयर हैंडलिंग यूनिट का कम्बिनेशन का डिज़ाइन किया जिससे सांस लेने वाला सांस लिया ज़रूर, लेकिन जो सांस फेंका वो बाहर चला गया, माने दूसरे को वो हवा, मेरी फेंकी हुई हवा लेने का मौका ही नहीं मिला, वो निकल गया बाहर। ठीक है, absorb. उसकी जगह नहीं, एब्जॉर्ब ने उसको एग्जॉस्ट खींच लिया और उसके बाद उसकी जगह पर फ्रेश एयर उसने दे दिया। इस तरह से उनका मॉडल इतना सक्सेसफुल था कि एक लाइन में 100 बेड लगा हुआ, लेकिन नोबडी इज गेटिंग क्रॉस कंटामिनेटेड। इस चीज़ को इंडियन कंपनी को हमने बहुत देखा कि सर वो लोग क्या कर रहा है, वो लोग एयर हैंडलिंग यूनिट, एयर कंडीशनर और माने बैक्टीरियल बर्नर, ये सब को कंबाइन करके उन्होंने किया था, बहुत अच्छा किया था। चुनांचे आईसीयू जो है दो तरह का होता है, बस जाना जाए, आईसीयू एक हाइपरबैरिक आईसीयू होता है, एक आइसोबैरिक आईसीयू होता है। आइसोबैरिक आईसीयू के मतलब है हवा का प्रेशर जो बाहर में है वही आपके आईसीयू के अंदर है। आईसीयू को दरवाज़ा खोलेंगे तो दरवाज़ा खोलने के क्रम में बाहर की हवा अंदर जाएगी, ठीक है, और उसी से आईसीयू संचालित है। कैसे, मैं बता दूं आपको कि जितने भी आईसीयू आप देखेंगे, किसी भी आईसीयू के अंदर फ्रेश एयर का कोई वेंट नहीं है। हम लोगों के एक जनरल नोशन है कि एक कमरे को, बड़े कमरे को बेड उड लगा के आईसीयू वो एसी लगा दिया, बंद कर दिया, दैट इज़ आईसीयू हैं। तो भैया मेरे, उसके अंदर जो आदमी है वो सांस फेंक रहा है तो फिर फ्रेश एयर कहाँ से लेगा आपका, तो दरवाज़ा बंद है, कहीं से कोई गुंजाइश, कहीं गुंजाइश। तो हम जिंदा इस तरह से हैं कि जितनी बार केवाड़ी खोल रहे हैं, दरवाज़ा आईसीयू को खोल रहे हैं, उसी से फ्रेश एयर हमको जा रहा, अदरवाइज देयर इज़ नो सोर्स ऑफ फ्रेश एयर। दिस इज़ दी आइसोबैरिक आईसीयू। हाइपरबैरिक आईसीयू उसको कहते हैं जिसमें कि आईसीयू के अंदर एक पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन किया गया है कि जैसे दरवाजा आप खोलिएगा तो हवा आईसीयू के अंदर से बाहर आएगी रदर देन के बाहर से अंदर आएगी, दिस इज अ डिफरेंट टाइम। तो हाइपरबैरिक आईसीयू मेंटेन किया गया था वो चाइना में कि साहब हवा का ओवरहॉलिंग जो है लगभग हर एक घंटे में 3 बार हो जा रहा था। पूरे इतना बड़ा आईसीयू का हवा अगर घंटे में 3 बार एकदम चेंज हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कितना जल्दी चेंज रेट हो रहा है, ठीक है। दैट वाज द ब्यूटी ऑफ सस्टेनिंग द कोविड 19 पेशेंट इन ए लॉन्ग कॉलम ऑफ द आईसीयू। ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, यहाँ के लिए भले नया कंसेप्ट हो, लोग जानता भी नहीं, सुनता अब क्या बोले, नहीं बोलता कि नया नया वो। हाँ, चर्चा हुई थी शहर में कि एक नई जो है इजाद हुई है तकनीक। बात करेंगे देश में, हालांकि कोरोना ने दस्तक दिया था, लेकिन बात हम भागलपुर शहर की कर लेते हैं। आईसीयू की स्थिति जो है वो तो किसी से छुपी नहीं है। सरकारी अस्पतालों, शुरुआती दौर में जो कोरोना का कहर रहा था उस दौरान मैंने भी रिपोर्टिंग करा था, सरकारी अस्पताल में स्थिति दयनीय रही है और अक्सर ऐसी स्थिति बनी रहती है। आपने तो 10 बेड का आईसीयू बनाया है, क्या सभी लोगों का ये संभव हो पाएगा, इसको विस्तार करने के लिए सोच रहे हैं? देखिए, बात ये नहीं है कि साहब 10 बेड का, बात ये कि आप ढंग से उसको संचालित कर सकें, दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि उससे एक्सपीरियंस गेन करके आप बढ़ सकते हैं आगे। मेरा कहने मतलब है अकेला चना भाड़ नहीं फूटता है, सब लोगों का समूह अगर मिलेगा तो वो इस नई तकनीक को ढंग से और जगह इस्तेमाल कर सकेगा। और चूंकि ये बात आज के दिन में कन्फर्म है कि कोरोना से जान नहीं छूटने जा रहा है, तो एवरी डॉक्टर हैज़ टू गेट प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ,
कब तक वो झोला और ये पहन के चलिएगा। आपको प्रिपेयर होना होगा कि उस तरह के मरीज, संक्रमित मरीज को आप लेकर के ट्रीटमेंट करेंगे, लोग करने भी लगे हैं। मेरे कहने का मतलब है सेफ्टी फैक्टर भी एक है। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि साहब फ्रैक्चर का मरीज है और अगर कोरोना पॉजिटिव है तो उसको आप भगाइएगा कैसे, कहाँ भगाइए, किस किस के पास भगाइएगा? Nobody is going to take care of that. So you must have that facility जो जिसके अंदर इंश्योर्ड हो कि हाँ जो जो ज़रूरत है वो चीज़ है। अब मरना जीना तो अमेरिका इंग्लैंड में भी होता है तो यहाँ नहीं होगा, ये कौन सी बात है, लेकिन आपके पास वो चीज़ें कमी नहीं है। बिल्कुल, मरीज जब आते हैं किसी भी अस्पताल में हो, वो आपके पास हो या किसी अदर डॉक्टर के पास हो, जब मरीज आते हैं तो उनके साथ उनके परिजन आते हैं, उनके रिश्तेदार आते हैं। और अक्सर ऐसा देखा गया है भागलपुर शहर में कि जो डॉक्टर के पास लोग आते हैं मरीज को भर्ती कराने के बाद, जो एक दो लोग उनके साथ हैं उनको या तो बाहर कमरा लेना होता है या तो फिर वो वहाँ पर परेशानियों का सामना कर रात गुजारते हैं सड़क किनारे। क्या ऐसा कुछ फैसिलिटी आप तैयार कर रहे हैं कि जो आने वाले मरीज के साथ लोग हैं उनको भी अपने कैंपस के अंदर सुविधा मिल सके? देखिए, एक मरीज, चार परिजन प्लस दो बच्चा, ठीक, ये हमारे यहाँ चूँकि इतनी ज़्यादा फुर्सत लोगों को है और ये कंपल्सन भी है कि अगर नहीं गए तो शिकायत हो जाएगी कि लेके नहीं आया या आके देखा नहीं है। लेकिन इस वक्त जो चीज़ है, जो कंसेप्ट यूरोप में है कि जो मरीज़ के एक परिजन है जो काबिल हैं, काम के लायक हैं, उनको भी एक जॉब दे दिया जाए उनके हिसाब से, ठीक है, और उसका रिन्यूमरेशन जो है वो मरीज़ के बिल में काट दिया जाए, ठीक है। हम इस कंसेप्ट पर ध्यान दे रहे हैं कि क्या किया जाए, क्यों, इसकी वजह यह है कि मरीज़ के अटेंडेंट को आप भगा भी नहीं सकते हैं और मरीज़ का अटेंडेंट गंदा करने में बड़ा माहिर होता है। बल्कि आप देखेंगे इतनी सारी हमारे यहाँ बीमारियाँ लगी हुई हैं कि कुरबो गुटखा खाएगा, निशाना लगा के थूकने पर बहुत सारी चीज़ करने को तैयार है। हमने एक प्रेयर हॉल भी बनाया है इसीलिए कि भैया मेरे वहीं जाके लेटे रहो, कम से कम थूकोगे तो नहीं, इतना कर कैफेटेरिया की फैसिलिटी दी है कि ताकि आपको खाने की सहूलत हो। बट स्टिल इस बात को कौन समझाएं कि एक मरीज़ के साथ एक आदमी, ये एक मसला है। लेकिन हमने उसकी व्यवस्था ऐसी रखी है कि मरीज़ जो है, मरीज़ का अटेंडेंट ऐसा फील नहीं करे कि अब हम कहाँ बैठें, बैठने का पर्याप्त जगह रखा है कि आदमी अच्छे से बैठ सो सके। बिल्कुल, एक सवाल थोड़ा सा हटके होगा, डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान जो हैं वो कभी अपने नाम के आगे इंजीनियर लगाया करते थे, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो डॉक्टर साहब इंजीनियर से डॉक्टर, ये शहर में भी लोग बोलते हैं इंजीनियर हैं और पढ़ाई इंजीनियरिंग की और पेशे से डॉक्टर। मैंने इंजीनियरिंग बीच में छोड़ दिया, इसकी वजह यह मेरा कंपल्सन था, मेरे माँ बाप का मजबूरी भी थी, मेरे माँ बाप डॉक्टर थे, उनको डर लगा था कि क्या करेगा ये लोग। लेकिन मेरे जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर शुगे जापान के, उन्होंने मेरे प्रोफेसर को ये बात का कंपल्सन किया कि इसके इस टेक्निक के लिए स्पेशल टाइम दिया जाए और इसको डेवलप करने दिया जाए। चुनांचे मेरे ढेर सारे साथी ने हमको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाया, मुझे शौक था, साफ साफ बात, मैं कॉलेज छोड़ने के बावजूद भी मैं उसको अच्छे से करा और उस शौक को मैंने बढ़ावा दिया, बढ़ावा देके आज ये स्थिति आ गई है कि शायद बिहार में मैं अकेला आदमी हूँ जिसका अपना हार्डवेयर लैब है। हार्डवेयर लैब बहुत मैंने हम कुछ चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें हर चीज़ है, स्पॉट वेल्डिंग मशीन से लेके बेसिक लेथ मशीन, मेगर जेगर से लेके जो भी बोलिएगा इलेक्ट्रिकल, हर चीज़ है। मतलब दैट बेसिकली वो एक हार्डवेयर लैब क्या है, वो डिज़ाइन करने के लिए, और ये डिज़ाइन करने में हम और सब इंजीनियर्स को प्रोत्साहन देने के, आप आओ मेरे साथ काम करो। आता तो कोई नहीं, कोई आदमी काम नहीं करना चाहता यहाँ पर, वो जो मानसिकता है वो अलग किस्म की है। तो कोई नए आए कोई बात है, लेकिन मैं बैठता हूँ, रात में बैठता हूँ, मैं काम करता हूँ और बहुत सी चीज़ मैंने ऐसी लगाई है। मैं बता दूँ, शायद बिहार का मैं अकेला ऐसा आदमी हूँ जिसके अस्पताल में पानी चढ़ाने वाला स्टैंड नहीं है। हमने अपना IV स्टैंड डेवलप किया ऐसा, जो दीवार माउंटेड है और स्कूटर के पिनियन से बना हुआ, सो वर्थ मैंने सीन वर्थ सिंह, आप देखिएगा आप खुश हो जाइए कि क्या बात है, पूरे अस्पताल में कहीं भी नहीं, जमीन का स्पेस वो छेकता अगर IV स्टैंड लगाते हैं, वो दीवार माउंटेड है और मूवेबल है, क्या साहब जुआ टेक्निक है। मैं वही बोल रहा कि ये चीज़ का अप्रिसिएशन करने वाला यहाँ नहीं है, बाहर के लोग आते हैं जो देखते कि ओह अच्छा अच्छा ये चीज़ क्या हुआ है, क्योंकि स्पेस का तो है, जिसके पास स्पेस क्रंच है उसके पास अगर स्पेस न छेकने वाला कोई टेक्निक आ जाएगा तो उसको तो प्रेफर करेगा, इस चीज़ को प्रोत्साहन करने वाला नहीं है। बहरहाल चीज़ अच्छी है, हम चाहेंगे कि आप भी आएँ, आप देखें। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा मौका लगेगा तो ज़रूर आएंगे सर। और एक छोटा सा सवाल है डॉक्टर साहब कि ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान शरीर का कोई अंग अगर कट के अलग हो जाए तो उसको वो जोड़ देते हैं, आई कांट बिलीव।
देखिए दो चीज़ है, री इम्प्लांटेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन। री इम्प्लांटेशन के मतलब आप ही का अंग कटा हुआ है उसको जोड़ा गया, और ट्रांसप्लांटेशन है कि दूसरे का अंग को काट के जोड़ सकते हैं। मैं बताऊँ, री इम्प्लांटेशन और ट्रांसप्लांटेशन में दोनों में अंतर नहीं है, बस एक ही अंतर है कि दूसरे का अंग जोड़ेंगे तो उसको सस्टेन करने के लिए जो रिएक्शन का फिनोमेना, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का बहुजन। डॉक्टर अय्यर हम लोगों के गुरुदेव रहे हैं, जो मैंने हैंड ट्रांसप्लांट करते रहे, हैंड ट्रांसप्लांट लगभग 12 लोगों की टीम करती रही है, मैंने भी देखा है अच्छे से कैसे होता है सारी चीज़ें। उसमें कोई बहुत बड़ी टेक्निक नहीं है, थिंग इज दैट कि उसके मैनेजमेंट, जोड़ने के बाद का जो मैनेजमेंट है, यानी जो कि ब्लड का रिएक्शन नहीं हो, ये हो वो चीज़, वो सब चीज़ जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, जो एक मतलब डॉक्टरों का समूह खोजता है, जो यहाँ पर नहीं है। बिहार में स्पेशली लोग, डॉक्टर लोग मिल के काम नहीं करना चाहते। नेक्स्ट सवाल मेरा यही था डॉक्टर साहब, और आखिरी सवाल होगा कि भागलपुर शहर जो है डॉक्टर साहब, गाँव से घिरा शहर है, आसपास जितने भी गांव हैं वहां पर सभी तरह के लोग हैं, किनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, किन्हीं की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, और ऐसे लोग भागलपुर शहर इलाज के लिए आते हैं, और वो आपके पास भी आते होंगे। क्या ये सारी सुविधाएँ जो अब आपके पास उपलब्ध है उन गरीबों के लिए, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, थोड़ा लो हैं, उनके लिए कोई विशेष सुविधा आप देने जा रहे हैं? मैं साफ साफ बोलूं, ये जो ऑरेंज कंपनी ने आईसीयू बनाया है और ये इतनी डेवलप कर रही है, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस गिर जाए। तो जब मेरा मेंटेनेंस का खर्चा कम रहेगा तो हम मरीज से भी कम लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, आज तक इस 15-17-18 साल के बीच में हमने किसी का घर बिकवा करके तो हमने सर्जरी नहीं की है। अब धोखे से कोई बेच दिया वो अलग बात, लेकिन इतना पैसा मैंने कभी नहीं लिया कि घर बेच दे, ऐसा नहीं हुआ। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं देखता हूँ। मेरा प्रोफेसर यही बात बोला था कि मुझे चेन्नई में ऑफर था, हर जगह था कि आप आ जाओ, मैं बड़ी डिग्री लेके बैठा था, मेरे काफ़ी ट्रेन था। उन लोगों का कहना था, दे वेयर वेरी विजनरी, कि तुम भागलपुर जाके अपने होम प्लेस में काम करो, गरीबों को तुम्हारी ज़रूरत है, एंड यू डू इट एट ए थ्रो अवे प्राइस। मैं सही बोला, मैं री इम्प्लांटेशन करता हूँ, वेस्कुलर सर्जरी करता हूँ, जो इस समय 20 साल में अभी तक तो नहीं कोई आया है, तो कितने में करता हूँ अब मेरे आप मरीज से पूछे, मुझसे नहीं, मैं तो हो सकता है झूठ भी बोलूँ। चलिए डॉक्टर साहब, आपको तो पहले 2-3 कामों के लिए और बातों के लिए शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि आपने एक नई तकनीक का इजाद किया है। दूसरी बात, गरीबों के लिए जो खासकर आपने बताया कि जो सुविधा उपलब्ध कराया है, इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं और बधाई, और अब बातचीत के लिए आप आए, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। थैंक यू सर। हमारे साथ भागलपुर के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान थे, और रहमान सर ने, हालांकि ये कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, संक्रमित हो गए थे, उसके बाद कोरोना को मात देने के बाद इन्होंने कई नई तकनीक का इजाद किया है, जहां पर कोरोना का इलाज भी संभव है। उसके बाद हड्डी से संबंधित बहुत सारे ऐसे हैं, अगर आपका शरीर का अंग कोई शरीर से अलग हो जाता है तो उसको जो है ट्रांसप्लांट करके उसे जोड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी बात है और शहर के लिए तो उपलब्धि है ही। मैं भी चाहूँगा, हमारा जो है डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान सर के साथ आपको बातचीत कैसा लगा, आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है, और कैमरा के पीछे सुमित और सलमान मौजूद हैं।